यहाँ पे जो कि कैबिनेट बनाने के हमने यहाँ पे जो कि सनमाइका भी कटिंग कर लिया, प्लाई वगैरह सारे कटिंग करके रेडी करके हमने जो कि रख लिया है, जो कि सनमाइका पेस्ट करने के लिए यहाँ पे ले लिया हूँ दोस्तों। डेंड्राइट ले लिया हूँ यहाँ पे हमने, जैसे फेविकोल कंपनी का ये जो हिटेक्स डेंड्राइट जो है दोस्तों वो वाला हमने ले लिया हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये नॉर्मल डेंड्राइट से दोस्तों ये वाला डेंड्राइट बहुत ही अच्छा है आपका। सनमाइका जो कि प्लाईवुड पर पेस्ट करके हमने सारे कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को फिर से एक और नए वीडियो में दोस्तों। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने जो कि ये वाला कैबिनेट जो कि हमने बना के फाइनली पूरी तरह से जो कि कंप्लीट करके रखा हुआ है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे जो कि हमने इस पर जो कि दो दरवाज़ा दिया है और यहाँ पे साथ में दो डोर जो कि वो लगाया हुआ है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ तरीके से हमने इसको बना के कंप्लीट करके रखा हुआ है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह का हमने बना के कंप्लीट करके रखा है, लेकिन दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इसके दूसरे साइड में। जैसे कि इस तरफ देख सकते हैं ये जो गैस सिलेंडर लगा हुआ है, इस साइड में हम जो कि नया एक कैबिनेट और बनाने वाले सेम इसी तरीके से। जो कि इस साइड में तो आपका दो डोर दो दरवाज़ा है, लेकिन इस साइड वाला एक दरवाज़ा और तीन डोर बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आप काम अपना शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इसका वीडियो नहीं देखा कि मैंने इसको किस तरह से बना के कम्प्लीट किया है, तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाके चेकआउट करिएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो कि कैबिनेट बनाने के हमने यहाँ पे जो कि सनमाइका भी कटिंग कर लिया, प्लाई वगैरह सारे कटिंग करके रेडी करके हमने जो कि रख लिया है। तो चलिए आप सबसे पहले हम सनमाइका पेस्ट करने का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी देखिएगा एक प्लाईवुड पर जो है कि सनमाइका वो किस तरह से पेस्ट किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के पेस्ट करने का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सनमाइका जो कि वो सारे कटिंग करके रेडी करके रख लिया है। तो दोस्तों ये व्हाइट कलर का सनमाइका जो कि वो सारा हम अंदर साइड में लगाने वाले हैं, और इसके बाहर साइड में तो हम कलरिंग वाला सनमाइका जो कि वो लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जिसके व्हाइट कलर का सनमाइका जो कि अंदर साइड के लिए हम लोग सारे लगाकर कंप्लीट करते हैं, फिर उसका इसको असेंबल करने का काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो कि सनमाइका पेस्ट करने के लिए यहाँ पे ले लिया हूँ दोस्तों डेंड्राइट ले लिया हूँ यहाँ पे हमने, जैसे फेविकोल कंपनी का ये जो हिटेक्स डेंड्राइट जो है दोस्तों वो वाला हमने ले लिया हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये नॉर्मल डेंड्राइट से दोस्तों ये वाला डेंड्राइट बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग यह हिटेक्स कंपनी का डेंड्राइट से जो अगर आप लोग सनमाइका पेस्ट करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट हो जाता है, और एक बार पेस्ट हो जाने के बाद छूटने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो चलिए बिना देरी के फटाफट इसको हम सनमाइका पेस्ट करने का काम शुरू करते हैं, पेस्ट करके कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट कर लेने के बाद जो कि इसको हम असेंबल भी करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग बने रहेगा वीडियो के एंड तक। और दोस्तों आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जाके तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो पे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फाइनली सनमाइका जो कि प्लाईवुड पर पेस्ट करके हमने सारे कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे सारे अंडर साइड के लिए है, इसलिए हमने सारे व्हाइट कलर का सनमाइका है जो कि पेस्ट करके हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अभी हम इसको जो कि असेंबल करने का काम शुरू करते हैं, तो आप लोग बने रहे दोस्तों। ये वाला पार्ट तो ये बैक साइड के लिए हमने इस पर सनमाइका जो कि 6 mm का प्लाई है, उसमें हम बैक साइड के लिए हम 6 mm का प्लाई लिया है, बाकी सब हमने 19 mm का लिया हुआ है। तो चलिए असेंबल करने का काम शुरू करते हैं।
तो हमने यहाँ पे असेंबल करने के लिए दोस्तों ये ले लिया हूँ कुछ इस तरीका से। ये तो दोस्तों नीचे वाला पार्ट से, तो वो नीचे रहने वाला है, इसलिए हमने उसका नीचे साइड सनमाइका जो कि वो नहीं लगाया, बाकी हमने सारे अंडर साइड में हमने सनमाइका सारे लगा दिया हूँ। तो चलिए फटाफट से इसको असेंबल करके कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करके जो कि हमें ये जिस जगह पे इसको जगह फिटिंग करना है उस जगह पे ले जाके हम इसको परमानेंटली फिटिंग भी कर लेंगे। उसके बाद इसका डोर और दरवाज़ा वगैरह जो कि वो तैयार करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इसको असेंबल करके कंप्लीट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कैबिनेट जो कि लगभग असेंबल करके लगभग हो चुके कंप्लीट। अभी इसके बैक साइड का प्लाई जो कि वो लगाने का रह गया। तो चलिए फटाफट से बैक साइड का प्लाई लगा के कंप्लीट करते हैं। दोस्तों हमने कंप्लीट करके भी जो कि ये जहाँ पे हमें जिस जगह पे हमें इसे लगाना है उस जगह पे हमने लेके आ गया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे हमने लेके रख लिया हूँ। और दोस्तों हमें लगाना है इस जगह पे, ये देख सकते हैं इस जगह पे यहाँ पे फिटिंग करना है इसको। तो चलिए इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से फिटिंग जो कि वो कर लेते हैं। करने के बाद इसको डोर वगैरह तैयार करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फाइनली यहाँ पे हमने इसको फिटिंग कर दिया। देख सकते हैं हम इसके तीनों साइड पे जो हल्का सा गैप था उसके हमने पैकिंग वगैरह लगा के हमने इसको सही कर लिया हूँ। और दोस्तों इस पर अभी दरवाज़ा इसके डोर वगैरह तैयार करने वाला हूँ। जैसे इस तरफ हमने तैयार करके रखा है सेम इसी तरीके से इस पर भी इस साइड भी हम तैयार करने वाले हैं। तो इस हम एक दरवाज़ा और तीन डोर बनाने वाला हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो कि डोर और दरवाज़ा के लिए हमने प्लाई वगैरह सारे कटिंग करके हमने यहाँ पे रेडी कर लिया हूँ। और साथ में का भी जो कि हमने साइज़ में कटिंग करके यहाँ पे रेडी करके रख लिया हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरह हम रेडी करके रख लिया हूँ। तो अब चलिए दोस्तों पहले हम इसको सनमाइका सारे डोर के लिए हम डोर और दरवाज़ा में सनमाइका पेस्ट करके कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो कि हम डोर वगैरह असेंबल करने का काम शुरू करते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक।
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फाइनली एक जो दरवाजा था उस दरवाजे हमने सनमे का पेस्ट करके फाइनली पूरी तरह से जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं उस तरह से कंप्लीट करके यहाँ पे रख लिया। और अब इसके ड्रॉयर वगैरह पे लगाने का काम जो कि रह गया, जैसे ये वहाँ यहाँ पे रखा हुआ देख सकते हैं सारे। तो चलिए इसको फटाफट से सनमे का पेस्ट करके कम्प्लीट करते हैं, फिर उसके बाद जो कि इसका हम फिटिंग करने का काम भी शुरू करेंगे। तो चलिए इसको हम पहले सनमे का पेस्ट करके कम्प्लीट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फाइनली जो कि ड्रॉयर जितने भी हमारे ड्रॉयर है ना, वो सारे ड्रॉयर के लिए हमने सनमे का प्लाई पे पेस्ट करके पूरे से हमने कंप्लीट करके यहाँ पे रख लिया, और साथ में हमारा दरवाजा तो देख सकते हैं वहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो चलिए अभी हमारा सनमाइका का सारा पेस्ट करके तो हो चुका है कंप्लीट। अब दोस्तों रह गया हमारा ड्रॉयर को जो कि असेंबल करने का। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से जो कि हमारा ड्रॉयर को असेंबल करने का काम शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहेगा दोस्तों वीडियो के एंड तक। तो चलिए फटाफट से असेंबल करने का काम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फाइनली एक ड्रॉयर को फिटिंग करके कुछ इस तरह हमने कंप्लीट करके रेडी कर लिया है। तो इसी तरह से सेम और दूसरा यहाँ पे दो और फिटिंग करना बाकी है। तो इसी तरह से चलिए फटाफट से दो और तैयार करते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा एक ऊपर वाला ड्रॉयर जो कि जैसे यहाँ पे बीच पे हमने इस तरह से दो लाइन जो कि वो लगाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से दूसरा और हम तैयार करके कंप्लीट करके मैं आप लोगों को जो कि दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने फाइनली तीनों ड्रॉयर को फिटिंग करके पूरे से कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं, हमें जो बता रहे थे आपको यहाँ पे बीच में दो लाइन लगा दिए, जो कि यहाँ पे तीन स्टेप हमने यहाँ पे बना दिया कुछ इस तरीके से, जो कि हमें अलग अलग से जो कि आगे चम्मच वगैरह जो कि वो रख सकते हैं आसानी से। तो चलिए हमारा ये भी दोस्तों हमारा दो या तीनों तो हमारा इस तरह से वही रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा ये तो लाइन वाला सर सबसे ऊपर वाला में रहने वाला है, और वो बाकी तो नीचे में रहने वाला है दोनों। तो ये वाला सबसे ऊपर में हम लगाने वाला है। तो चलिए अब इसको जिस जगह पर लगाना है वो हम उस जगह पर ले जाकर फिटिंग करने का शुरू करते हैं। तो आप लोग दोस्तों बने रहेगा वीडियो पर। दोस्तों हमने यहाँ पे फिटिंग करने के लिए जो कि हमने लेके आ गया हूँ इस जगह पे, और यहाँ पे देख सकते हैं हमने हैंडल और इसके स्लाइडिंग चैनल वगैरह सारे रेडी करके हमने यहाँ पे रख लिया। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने कैबिनेट का जो कि हमने सारे सनमे का भी पेस्ट करके कंप्लीट कर लिया, जिसके हम इस तरह में हम जो हमने पुराना वाला जो बना के रखा था उसी तरह से यहाँ पे हमने सनमे का लगा दिया। तो दोस्तों हमने टाइल्स पर ही जो कि हमने किना किना पे सनमे का लगा दिया, टाइल्स पे अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया, क्योंकि पता नहीं चलता है दोस्तों वहाँ पे सनमे का जो कि टाइल्स के ऊपर में लगाए बोल के। तो चलिए अब इसको जो कि हमने यहाँ पे सारे ड्रॉयर का जो कि हैंडल वगैरह सारे जो कि हमने चैनल वगैरह सारे जो कि हमने लगा के रेडी कर लिया, देख सकते हैं उसी तरह से। और दरवाजा पे भी हमने हैंगर्स और इसके हैंडल जो कि वो सारे लगा के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसको फटाफट से हम जो कि सबसे पहले हम इसके दरवाज़ा को जो कि वहाँ पे लगा देते हैं, ऐसे फिटिंग कर देते हैं दरवाज़ा को फिटिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम ड्रॉयर वगैरह लगाने का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए आप लोग बने रहे वीडियो पे, मैं फटाफट से जो कि दरवाज़ा और इसके साथ में जो कि इसके ड्रॉयर वगैरह लगाने का काम जो कि वो शुरू करते हैं। तो पहले हम इसके दरवाज़ा फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दरवाज़ा जो कि फिटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया कुछ इस तरह से। तो चलिए इसको फटाफट से हम फिटिंग कर लेते हैं। इसको दोस्तों दरवाज़ा लगाने के बाद जो कि हम इस पर एक मैग्नेट जो होता है वो भी लगा देंगे, जो कि दरवाज़ा बंद कर देते हैं जो कि अपने आप अंदर में पकड़ के रखेगा। तो चलिए फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं।
दोस्तों लगभग हमारा दरवाजा जो कि फिटिंग करके हो चुके कम्प्लीट से, हमने मैग्नेट भी जो तो लगा दिया, उसको जो देखिए पकड़ा है। तो चलिए अब इसके डोर वगैरह जो कि वो लगा देते हैं। हम डोर भी पहले हमने से एडजस्ट करके रख लिया था, अभी डायरेक्ट हम इस पर असेंबल कर देते हैं। तो चलिए पहले हमें उसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया दोस्तों एक डोर सबसे ऊपर वाला जो कि वो वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं हम इसको लगा दे, देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने फिटिंग कर दिया, देख सकते हैं ओपन क्लोज भी बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से हो रहा है। तो चलिए इसके साथ साथ इसके नीचे वाला मिडिल वाला ड्रॉयर जो कि वो भी लगा रहे हैं, देख सकते हैं ये वाला भी अच्छे बहुत ही अच्छी तरह से और आसानी से फिट हो गया। अब ये नीचे वाला सबसे लास्ट वाला जो कि वो रह गया है, देख सकते हैं ये भी कितनी आसानी से फिट करके हो चुका है कम्प्लीट। देख सकते हैं तीनों ड्रॉयर जो कि कितनी आसानी से जो कि ओपन क्लोज हो रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए दरवाज़ा भी हमारा कुछ इस तरीके का है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फाइनली मेरा कैबिनेट दूसरा वाला भी बनकर कुछ अच्छे हो चुका है कंप्लीट, और इस तरफ से देख सकते हैं ये पहले हमने ये बनाया था। और दोस्तों ये वाला भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाके चेकआउट करेगा। तो चलिए एक बार हम सारे डोर दरवाजा जितने भी ना वो खोल के मैं आप लोगों को जो कि दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है, देख सकते हैं कितनी आसानी से और बहुत ही लूज़ है दोस्तों। इस पर कोई जाम उगरा हुआ नहीं है, जो कि बंद करते समय जो टाइट होता है वैसे नहीं है, बिल्कुल लूज तरीके से हमने बना दिया तीनों ड्रॉयर को। और यहाँ इस वाले भी देख सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छी तरह से हो गया फिटिंग, देख सकते बहुत ही लूज है, देख सकते जाम उगरा नहीं हुआ दोस्तों, बहुत ही लूज तरीके से हुआ है। और इसमें साइड वाला दरवाजा भी देख सकते हैं, हमने दोनों दरवाजा पे दो मैग्नेट लगा दिया हूँ अलग अलग से, जो कि मैग्नेट हमने दोनों पे लगा दिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों हमारा कैबिनेट तो फाइनली बनकर पूरी तरह से हो चुका है तैयार। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये कैबिनेट बनाने का तरीका जो कि वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे भी पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जगह तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।